कौन सा शेयर है बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी अंश जुड़ चुके हैं। अंश, ये कौन सा शेयर है मिड कैप में जहां पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करेंगे अजमेरा रियल्टी से। कंपनी ने कुल 225 कर लेते हैं, कंपनी ने सबसे ज्यादा कमाई की है इस क्वार्टर में, बाकी सारे क्वार्टर्स कंपेयर करेंगे तो, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस में करीबन 11 से 12 प्रतिशत का उछाल नजर आ रहा है और साथ ही साथ स्टॉक्स ने 6 मंथ हाई की ऊंचाई भी छुई है। तो ये 3 स्टॉक्स, शुक्रिया अंश बताने के लिए। इसमें 2 शेयर में से जल्दी से बताइए स्वाति, पूर्वांकड़ा या अजमेरा, कौन बेहतर है इस लेवल पे? मुझे इस लेवल से पुरवान करा ही बेस्ट लग रहा है क्योंकि टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है, काफी क्लस्टर रेजिस्टेंस जोन था 100 लेवल्स का, इसने 2 से 3 बार अटेम्प्ट किया है बट फाइनली आज वो ब्रेकआउट दे पाया है ऑलमोस्ट विद इन द स्पैन ऑफ 6 to 7 months के बाद। तो मुझे लगता है इस पे काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, आज के वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, ये वॉल्यूम्स हम लोग ने 2023 में फर्स्ट टाइम इतने हाई देखे हैं। आई बिलीव इसमें और पोटेंशियल है 115-120 के लेवल्स की टेस्ट करने की, तो लॉन्ग पोजिशंस है तो होल्ड ऑन करना चाहिए, अगर क्रिएट करने हैं तो आई बिलीव 97-98 लेवल्स एक अच्छे लेवल्स है, वहां पे अपने लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में 92 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो जब तक वो बरकरार है 92-94 लेवल एक सपोर्ट जोन है, वो जोन जब तक बरकरार है तब तक हमें अपसाइड रैली 115-120 के लेवल्स तक की देखने मिल सकती है। गिरावट उसमें खरीदारी कर सकते हैं लेकिन 10% की मजबूती और भी यहां